नमस्कार, हमारी बेटियों को प्यार भरा आशीर्वाद, हमारी बहनों को प्रणाम। आज ये स्पेशल वीडियो हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए। सावन, सावन का अगर हम वैदिक निगाह से देखें तो बहुत सारे इसके फायदे हैं, बहुत सारे इसके लाभ हैं, अनुष्ठान पूजा इत्यादि से। लेकिन उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए जिनके विवाह में अड़चन आ रही है, गौरा माता और भोले जी की कृपा से विवाह यूं चुटकियों में हो जाता है। बस करना क्या है मैं आपको बताता हूं। उससे पहले अगर आपके पति आपको नहीं मानते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, या आपके पति ले नहीं जा रहे हैं, या आप पुरुष हैं, आपकी पत्नी पिशाचिनी रूप की मिल गई है, सास ससुर की सेवा नहीं करने वाली, भाइयों में लड़ाई झगड़ा लगवाने वाली, घर से दूर करने की कोशिश करने वाली, अपने मायके से नहीं आ रही, तो इसके लिए आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, एक लिंक दे रहा हूँ। लिंक उसे कहते हैं जिसमें वीडियो रहती है यूट्यूब की, उस पर आप उंगली यूँ करेंगे तो आ जाएगा। उस वीडियो को देखना, बहुत ही पावरफुल है, और उसके कमेंट में जाना, बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया है, तो उसको आप भी करें। और ऐसे आदमियों को पैसा मत दें, कोई उपाय मत कराएं जिसको आपने कभी देखा ना हो, जांचा ना हो, परखा ना हो, ठीक मेरी अच्छी बहनों, ऐसा नहीं करना है, ठीक बेटा। अब आइए हम बताते हैं, 29 जुलाई 2022 को शाम को 4 बजे, एग्जैक्ट 4 बजे से, शाम को 4 बजे से और 4:20 के बीच आपको ये कार्य करना है। किसी शिव मंदिर जाना, गौरा माता का स्मरण करते हुए सुहाग का सामान ले जाना है, जो नवरात्रों में जैसे हम माता जी को सुहाग चढ़ाते हैं, और एक पानी वाला नारियल, अपने बराबर धागा नापना लाल कलर का, उसमें नारियल में लपेट देना, और ये सारा सामान एक चुनरी में रखना, और शिव जी के 21 परिक्रमा मंदिर का करना। 21 करने के बाद 22वें पे पीछे मंदिर के पीछे आना, अपने विवाह के लिए गौरा जी से कहना, शंकर से नहीं, गौरा जी से कहना कि हे गौरा माता, मैं अविवाहित हूं, मेरे पिताजी, मेरे भाई जी, मेरे परिवार वाले बहुत परेशान हैं, आप अपनी कृपा से शंकर जी से कह दीजिए कि मेरा विवाह जल्द से जल्द सुंदर सुयोग वर को हम प्राप्त हों, मेरा विवाह हो जाए। मैं आपके यहाँ आज हाजिरी लगा रही हूँ, और आपका ये भेंट मैं आपको दिया, आपका ये भेंट आपको दिया, और ये भेंट गंगा जी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ, स्वीकार करिए और मेरा कार्य के ऊपर कृपा करिए। इतना कह के वो सारी भेंट को, आपके यहाँ नहर हो, देखिए सब जल है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो बहता पानी, और मानो तो मैं गंगा माँ हूं, सब जल गंगा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो करना क्या है मेरी बच्चियों, इसको बहते हुए पानी में प्रवाह कर देना है। उसी दिन अपने मम्मी पापा भाई बहन मामा मौसी किसी के साथ जाके स्कूटर गाड़ी मोटरसाइकिल कार पे बैठ के जाइए, प्रवाह कर दीजिए, प्रणाम करिए, वो गंगा जी हो, चाहे वो कोई भी नदी हो, किसी भी नदी में प्रवाह कर दीजिए, या नहर में, तालाब में नहीं, सेम उसी दिन करना है, रात को 11 बजे के अंदर। अब प्रवाह करने के बाद आपका काम 100% होगा। अब प्रवाह करने के बाद क्या करना है, विसर्जन करने के बाद क्या करना है, आके किसी अच्छी दुकान पे आप आलू की टिक्की समोसे खाइएगा। अरे ये तो मजाक कर रहा था, ठीक, आप ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और आपका काम माता रानी के आशीर्वाद से 100% होगा। किसी प्रकार की आपको जरूरत हो, जानकारी चाहिए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9118036409। इस पर हमारे प्रकांड विद्वान रविंद्र शास्त्री जी रहते हैं, जो कि वैदिक आचार्य प्रचार्य हैं। दूसरा है
9798282880 इस पर हमारे विकासानंद महाराज जो हमारे अघोर मार्ग का पूरा काम देखते हैं, हमारे शिष्य ये रहते हैं। आप लोग कभी मत समझिएगा कि गुरु जी से हम डायरेक्ट बात करें तभी समाधान हो सकता है। ये हमारे शिष्य हैं, बहुत अच्छे हैं। आप एक लाइन में अपनी कोई समस्या बताइए, उसका ये सोल्यूशन बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बेटियों। भगवान करे आप सदा सुहागन रहे, जल्द से जल्द आपका विवाह हो, आप मुस्कुराती रहें, आपको अच्छा वर मिले। जय श्री राम।